लैंग्वेज में तो इसको घराट बोलते हैं। अभी मैं मामू के साथ हूँ, एक सैड न्यूज है मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं और मामू अभी पहुंच चुके हैं घराट पे। अभी हमें तो ये चलाना नहीं आता, तो हम अभी जल्दी आ गए हैं। तो अभी इसको खोल दिया मैंने, तो यहाँ से नीचे इसके नीचे से आता है। व्हाट्सअप कैसे आप सभी लोग, होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज से मैं अपना डेली व्लॉग्स का रूटीन शुरू कर रहा हूँ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं घराट, जिसको चक्की बोलते हैं लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज में तो इसको घराट बोलते हैं। अभी मैं मामू के साथ हूँ। अभी हम क्या छोड़ने जा रहे हैं मामू? हेलो गाइस, अभी हम थोड़ा इसको लोकल लैंग्वेज में लंबड़ बोलते हैं और इसको हम छोड़ने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, जैसे मक्की हो गई और वीट्स हो गए और इसमें ग्रेन्स हो गए और भी पल्सेस इसमें डाली हुई है हमने। और ये इसका मिक्सचर है जो गाय के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और पौष्टिक रहता है, क्योंकि हमारी गाय सुई भी गाय है और तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अभी हम देखो, ये हमारे पास कट्टा है, देखो इसका वेट कितना होगा मामू? इसका वेट कम से कम 50-60 केजी होगा और काफ़ी भारी है और कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो अभी हम देखो, अभी आपको बताएंगे और कैसे हम वहाँ घराट तक पहुँचते हैं और वो कैसे काम करता है, लेट्स सी। तो अभी देखना, आप वाटर क्रॉसिंग करेंगे पैदल, अभी देखना मामू को कितनी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है। देखो तो गाइस हमारे साथ है हमारा प्यारा डॉग ब्रूनो, गाइस ये भी करेगा आप क्रॉसिंग, ये देखना। चला गया ये, तो अब मेरी टर्न है, मैं भी क्रॉस कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पानी भर चुका है अभी इस एरिया में ना, यहाँ से ये देख सकते हो, क्योंकि अभी बारिश वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा पानी भरा हुआ है। और नहीं तो यूजुअली तो गर्मियों में इतना पानी नहीं भरता है यहाँ पे, आजकल तो बारिश हो रही है, तो रोज बारिश है। अभी वेदर चेक करो, उस साइड को फॉग है, ऊपर पूरी फॉग ही फॉग है, चायल की साइड पूरी फॉग है। तो गाइस चलते हैं हम आगे, आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। आगे तो आ गए हैं, फिर ये मामू भी चल रहे हैं, देख लो काफ़ी देर से चल रहे हैं, अभी 1 किलोमीटर अभी बचा है अभी पूरा। तो गाइस एक सैड न्यूज़ है मेरे व्यूअर्स के लिए, कि जो कल मैं अपने मामू के साथ था, जैसे सांड होते हैं ना, इनको खोलते हैं पानी पिलाने के लिए बाहर, तो गाइस इनको खोला था, तो इनमें से एक छोटा, अभी बहुत छोटे एज के सांड है, तो वो फटाफट भागा सांड। और वो ना एक बंदा टाइप होता है, पहाड़ी लैंग्वेज में उसको बंदा बोलते हैं, बांध टाइप बोल सकते हो। और जैसे उससे वो नीचे गिर गया, जैसे ये हाइट है ना, इतनी हाइट से वो नीचे गिरा है, और उसका जो सींग है ना, उसके ऊपर जो कवर सा होता है वो टूट गया है, और उसके ब्लड रुक नहीं रहा है अब। और अभी उसके सारी मेडिसिन वगैरह लगा दी हमने, आज डॉक्टर को कंसल्ट करना था, लेकिन संडे को ऑफ होता है, डॉक्टर भी हॉलीडे पे होते हैं, तो आज नहीं जा पाए। बाकी कॉल वगैरह कर ली थी डॉक्टर को, और बाकी जो उन्होंने बताया कि ये करना है, हल्दी वगैरह लगाओ, उसकी हल्दी और ऑयल का लेप वगैरह लगाओ, वो लगाया सब कुछ। फिर मैं और मामू थे वहाँ पे जब गिरा, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी आईज़ वगैरह भी सूज गई हैं पूरी, और उससे तो थोड़ी देर तक वो उठा भी नहीं, वो उसको लगा कि ये क्या हो गया, और उसके सिर वगैरह बहुत दुख रहा होगा अभी, क्योंकि उसके ये चीज़ लगी है ना, ये चीज़ सींग ही टूट गया है। तो गाइस चलते हैं अभी आगे, आपको सीधा वहीं जाके मिलता है घराट पे। मैं और मामू अभी पहुंच चुके हैं घराट पे, ये देख सकते हैं आप, ये घराट है और ये चलता है नेचुरल वाटर से। हाँ नहीं तो गाइस इसको खोलते हैं अभी फटाफट और अंदर आपको दिखाता हूँ मैं। मैंने अभी इसका डोर तो खोल लिया है, जो इसके ऑनर हैं, जिनका भी ये है ना घराट, तो वो तो काफ़ी दूर रहते हैं, तो सुबह सुबह नहीं आ पाते, तो हम अभी जल्दी आ गए हैं, तो अभी इसको खोल दिया मैंने। अभी तो चल नहीं रहा है, अभी वही, अभी देखते हैं, अभी मामू चलाएंगे या कौन चलाएगा, अभी देखते हैं। और इधर ये सब कुछ वेट के लिए है, ये देखो नेचुरल सब कुछ, देसी जो गार्डन का सब कुछ, पत्थर वगैरह और ये लकड़ी वगैरह थोड़ी बहुत। अच्छा यार, यहाँ से आपको दिखाऊं नीचे, ये है, यहाँ पे डालते हैं सब कुछ, जो भी पीसना होता है इसमें डालते हैं, सॉरी ऊपर डालते हैं, इसमें डालते हैं, वो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से हो गया। वो चलता कैसे है, ये पानी से चलता है, इस साइड को पानी होगा बाहर, ये नीचे पानी दिख रहा है, अभी तो कम है ये, पर जब ज़्यादा पानी होता है तब अच्छे से चलता है ये। अभी हम इसका वेट वगैरह कर रहे थे, तो अभी इक्वल आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। गाइस ये पत्थर रखे हैं, नेचुरल सब कुछ है, सब कुछ देसी जुगाड़ कर रखा है। अब इसका वेट उनको ही बताओगा, हमें तो इतना नहीं पता है क्या आइडिया, पर जितना ये लगता है, ये
कितना होगा मामू ये 60 kg तक होगा, वो भी रख दिए इक्वल आ गया 60 kg होगा। अभी हमें तो ये चलाना नहीं आता है। मामू आपको आता है? अरे मामू को भी नहीं आता है चलाना। तो अभी हम इसको यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे, जैसे ये लोगों ने छोड़े हुए हैं साइड में, हम भी यहाँ पे इसको छोड़ के चले जाएंगे और फिर उसके बाद शाम को या फिर एक दो दिन में लेने आएंगे इसको वापस। और गाइस देख सकते हो आप इसका इक्वल वेट है, मैं इसकी फोटोज़ भी क्लिक कर लेता हूँ, उनको दिखा दूंगा जो आएंगे। तो गाइस कर लिया क्लिक फोटोज़, अभी चलते हैं इसके बाहर, पहले इसको नीचे उतारेंगे। तो गाइस ये जो पानी आ रहा है यहाँ पे, ये इस साइड को भी जा रहा है और ये इस साइड को आता है यहाँ यहाँ से, और ये इस साइड को निकलता है। अब देखो ये इस साइड को निकलता है और ये इसके अंदर से आता है, यहाँ से नीचे, इसके नीचे से आता है, ये आप देख सकते हैं ऐसे। और फिर जब ये पूरी फोर्स से आता है और ये इसको घुमाता है, जो ये रोलर से आया ना पत्थर है, इसको घुमाता है ये पूरी फोर्स से। और ये क्या इसके मामू इसके बाद क्या करता है फिर, ये इसके बारे में बताओ थोड़ा। ये जो नीचे देख रहे हो आप, ये पूरी फोर्स से जब पानी आता है तो इसमें झरना सा एक निकलता है नीचे, और सामने जो ये पत्थर रखा हुआ है जो घूमता है टरबाइन से, और ये घूमता है जब, तो ये जो मक्की है और जो भी इसके अंदर डालोगे आप पिस जाएगा, और ये बिल्कुल पतला आता है। और इसमें अलग अलग लेवल दिए कि आपने मोटा पिसना है पतला करना है। और ये जो घराट वाली ये चीज़ें आजकल ख़त्म हो चुकी है, आप कहीं भी चले जाओगे ये बड़ी मुश्किल से एक दो चीज़ें जो है गांव में जाकर बची हुई है, और जो कि बहुत हेरिटेज है और ये अच्छे लर्निंग है, सीखने वाला ये काम है। और बिना इसके ये आप पानी के साथ ही चलता है, और कोई भी कुछ भी चीज़ इसमें आप यूज नहीं होती है। और लेकिन आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही जो मशीनरी की तरफ जा रहे हैं, जिसका जो टेस्ट है उसमें, जो हम आजकल मशीनों में पिसा हुआ आटा खाते हैं वो उसमें टेस्ट ही नहीं होता है और बहुत जल्दी वो खराब हो जाता है। लेकिन जो ये है कि नेचुरल चीज़ है और इसका टेस्ट ही कुछ और है, क्योंकि ये पत्थर से पिसा हुआ आता है, ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मतलब हेरिटेज है और बहुत मज़ा आता है। तो आजकल तो हम सिटीज़ वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा ना? नहीं, सिटीज़ में नहीं मिलता है, लेकिन मैंने देखा है, मैं सोलन में रहता हूँ तो मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े लाले होते हैं, मतलब जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो रखते हैं अपने पास जो ये पिसा हुआ मक्की का आटा है वो रखते हैं अपने पास ये, लेकिन वो स्पेशली बोलते हैं कि ये घराट का पिसा हुआ है, मतलब कि जो एक इसको घराट बोलते हैं, इसका पिसा हुआ है वो बेचते जरूर है। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से कौन से घराट से पीस के लाते हैं, पर वो बेचते जरूर मिलता है अगर आप ढूंढने जाते हो। तो गाइस आपने देख लिया, आज मैं स्पेशल आया हूँ आपको ये दिखाने के लिए, स्पेशल घराट आया हूँ यहाँ पे, और काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो गाइस अभी हम इसको बंद कर देंगे, अभी हमने फ़ोन तो कर दिया है, वो आएंगे जब इसको तो पीस के चले जाएंगे। और जो हमारा ये बोरा होता है जिसके ऊपर हम, जिसके अंदर हम ये डालते हैं अपना, ये गाइस जिस तरह का पत्थर होता है, ये होता है गाइस ये पत्थर, तो उसके ऊपर हम अपने नेम्स वगैरह लिख देते हैं जिस घर से लाते हैं। तो गाइस अभी फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, आपको फिर मिलेंगे। तो गाइज आपको बहुत सारी चीज़ें तो बता दी, पर ये एक चीज़ ये रह गई थी जो डंडे से दिख रहा है आपको, इसके बारे में बताते हैं, मामू बताएंगे इस बारे में। तो हम ये क्या होता है ये गाइस, ये बड़ी ही मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ये क्या होता है ना, इसको लोकल लैंग्वेज में बरेठी बोलते हैं। बरेठी का मतलब होता है कि मतलब ये एक तरह का डंडा ही होता है जिसमें ना हम पशुओं के लिए जिसका चारा बनाते हैं, मतलब हरी पत्तियाँ निकालते हैं। ये देखो गाइस इसको क्या करते हैं, हम हरी पत्तियाँ इसमें से छांट देते हैं साइड में, और क्या करते हैं इसमें इसको ना हम पानी के अंदर भिगो के रखते हैं काफ़ी महीनों तक, और जब ये काफ़ी महीनों तक पानी में रहता है तो इसका ना छिलका उतर जाता है। ये देखो गाइस थोड़ा ये छिलका रहता है इसमें, ये छिलका इसका उतर जाता है। गाइस इसमें ना एक ये परत आती है, ये देखो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस ये इसको बोलते हैं शेल, ठीक है। ये आता है इसमें गाइस, ये ऐसे निकलता है, ये देखो गाइस ये ऐसे निकालते हैं हम इसको, और ये अभी थोड़ा गीला है तो ये एकदम से नहीं निकलता, लेकिन जब सूख जाएगा ना तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। और गाइस ये देखो, अब जो ये डंडा रह गया ना इसको बोलते हैं बरेठी, और इसको बोलते हैं शेल। अब इसकी जो शेल है इसके ना बहुत सारे यूज़ है। इसके सबसे पहला और सबसे अच्छा यूज़ इसका है कि इसका सबसे अच्छा यूज़ है गाइस कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है, और जहाँ पे आग जलाने की समस्या होती है सर्दियों में स्पेशली, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी आग जला सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है, ये शेल इसको बोलते हैं। अगर इससे ज़्यादा आग जलाओगे तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, और बहुत जल्दी से आप आग रसोई में अपनी चूल्हा जला सकते हैं। फिर इसके यूज़ क्या है दूसरा, ये जो ये इसको रस्सी बनाने के काम आता है, दूसरा इसका बहुत अच्छा यूज़ है, ये रस्सी बनाने के काम भी आता है, और ये बहुत पक्का होता है, ये टूटता नहीं है जल्दी, और इसकी रस्सी बहुत सालों साल चलती है। और तीसरा देखो गाइस, जो बलैठी जिसको हम बोलते हैं, इसको जब ये सूख जाएगी ना गाइस, इसको ऐसे तोड़ते हैं, ये ऐसे तोड़ते हैं, और सिमिलरली ये शेल जैसा काम करती है। अगर इसमें आप माचिस से इसको जलाओगे यहाँ से, तो इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ेगी, और आग को जलाने में, चूल्हे जलाने में आपकी हेल्प करेगी।
ये बहुत ही यूनिक चीज़ है गाइस, जो देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही पुरानी है और जो भी हमारे पेरेंट्स और उनके जो आगे पेरेंट्स थे वो यूज़ करते थे, तो ये लुप्त हो रही है, लेकिन अभी भी गांव में हमारे आज भी ये चीज़ें है और ये मतलब रहेगी जब तक ये रीति रिवाज है, पुराने लोग हैं, ये कल्चर चलता ही रहेगा, मतलब ये कल्चर। तो गाइस देख सकते हो ये कितनी यूनिक चीज़ है ये। तो गाइस अभी ये देखो पूरा ये आपको दिखा दिया है, घराट वगैरह, ये पत्थर वगैरह होता है इसके अंदर घूमती है ये, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स के होते हैं, कोई हैवी होता है, कोई जिसमें मतलब मोटा आटा पीसना होता है, कई लोगों ने किसी ने पतला आटा पिसवाना होता है, तो इसके लिए अलग अलग पत्थर यूज़ करते हैं। ये देख लीजिए पत्थर पतला एक एक मोटा पत्थर है गाइस, ये देखो। अब हम क्या बोलते हैं, ये जो डंडे हैं इनका भी कुछ यूज़ वगैरह करेंगे, अभी जो अंकल वगैरह आएंगी जिनका ये जो ये आटा पीसते हैं ना यहाँ पे, वो इसको जलाते हैं, तभी कभी जैसे ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उसकी आग वगैरह सेकने के लिए आग वगैरह जलाते हैं। तो गाइस इसके साथ हम अभी फोटोज़ वगैरह खींचेंगे। जितनी भी ये घराट वगैरह बनती है काफ़ी एक एक गांव में होती है, ऐसे पर्टिकुलर गांव में होती है ऐसे, तो गाइस जितनी भी ये घराट बनती है काफ़ी नेचुरल से बिल्कुल ग्रीनरी वाले एरिया में बनती है, आप नीचे भी देख सकते हैं सारे में ग्रीनरी है, और वहाँ पे ये बनाते हैं जिसके अंडरग्राउंड ना, जिसके नीचे से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो। गाइस आपको मैंने यहाँ पे पानी का फ्लो दिखाया और आपको पानी की जो आवाज़ भी है सुनाई दे रही होगी। गाइस यहाँ पे किसी का घर वगैरह नहीं है, जो ये बिल्डिंग है, ये सामने बिल्डिंग अगर आपको दिख रही है तो ये तो किसी का स्टोर वगैरह है, ये किसी का घर नहीं है यहाँ पे। इस पानी की आवाज़ सुन सकते हो आप लोग, और ये पानी देख भी सकते हो कितनी ज़्यादा फ्लो से पानी आ रहा है, ये देखिए। तो गाइस हमारा ब्रूनो भी आ चुका है, इसको भी सारे रास्ते याद हो चुके हैं, अब जब ये बिल्कुल छोटा सा था, 1-2 या 3 डे का था ये। तो गाइस आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और गाइस जितने भी नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दो, और गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दो और लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो गाइस आपसे मिलेंगे हम और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके पास आएंगे। तो गाइस जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।